डॉक्टर सतीश पुनिया के नेतृत्व में भी काम किया है और सीपी जोशी जी के नेतृत्व में भी काम किया, दोनों के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए दोनों, एक विशेषता दोनों में जो कॉमन है वो ये है कि दोनों ही युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में भारतीय जनता युवा मोर्चा को नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं। आदरणीय सतीश जी पुनिया के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और आदरणीय सीपी जोशी जी हमारे, जब मैं अध्यक्ष बना तो प्रभारी के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते रहते थे और मुझे ये आप सभी के साथ साझा करते हुए बड़ा हर्ष की अनुभूति होती है कि बहुत ही अच्छे तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपने परिवार की तरह सार संभाल कर रखना, यह आदरणीय सीपी जोशी जी की विशेषता है। वो पुराने कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के अनेकों पदों पर है, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और निश्चित रूप से 2023 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में भी और देश में भी उनके नेतृत्व में। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ में है, एक लगाव बताया जा रहा था कई लोग सत्ताईस, लेकिन खुशी का दिन है, राजस्थान भाजपा को अपने इतिहास का सबसे युवा और यहाँ कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह है, एक भूत का कार्यकर्ता आज निकलकर आज हमारे देश में पहले 10 जो सांसदों की जीत है उसमें आया और आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। इससे शुभ दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हो नहीं सकता है, आज केवल खुशी का दिन है और मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिठाई खिलाकर पटाखे छोड़ने से उसको क्या मिलेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे अध्यक्ष रहे हैं, 3 साल तक उन्होंने पार्टी के संगठन को बहुत मजबूत करने के लिए काम किया है, आज उनकी जगह पार्टी ने किसी दूसरे नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से वो भी अच्छा काम करके दिखाएंगे।